I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hi there guys and welcome here. So today we will discuss about how stress affect our body. Basically stress हमारी daily life का एक बहुत important part है. Stress वैसे तो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम किसी भी sports में participate करते हैं या फिर कोई public speech करते हैं तो यही stress हमारी body को extra boost provide करती है. लेकिन जब हमारी बॉडी किसी लंबे अरसे तक किसी भी स्ट्रेस में मुब्तिला रहती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है. स्ट्रेस की वजह से हमारी ब्रेन और बॉडी पे जो असरात मुरतब होते हैं या जो नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम स्ट्रेस की साइंस को समझ लेते हैं. बेसिकली जब हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन को फेस करती है तो उस वक्त हमारी बॉडी का HPA सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. HPA का मतलब है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, यानी स्ट्रेस की वजह से हमारी ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है. हाइपोथैलेमस इन टर्न एक्टिवेट करता है CRF को, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इन टर्न हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करके ACTH को रिलीज करवाता है. ACTH का मतलब है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, राइट. सो ACTH ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता हुआ हमारे किडनी के एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचकर कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है. कॉर्टिसोल को नॉर्मली हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है और यही हार्मोन बॉडी के स्ट्रेस को डील करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डिफरेंट चेंजेस भी लेकर आता है, राइट. जैसा कि कॉर्टिसोल या जो स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली हमारी बॉडी के नॉन एसेंशियल फंक्शन को स्टॉप करवा देता है. नॉन एसेंशियल फंक्शन में हमारे पास डाइजेशन, इम्यून फंक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्शन आ जाता है. कॉर्टिसोल हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी के नॉन एसेंशियल फंक्शन को स्टॉप करवा के हमारी बॉडी की एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करता है ताकि यही एनर्जी स्ट्रेस को ओवरकम करने में यूज हो जाए. इसी के साथ साथ कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी के शुगर लेवल को भी इंक्रीज करता है ताकि बॉडी के पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मौजूद हो जब ये स्ट्रेस को डील कर रही हो. सिमिलरली जब हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर आती है तो हमारी बॉडी का बेसिकली ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस है वो कॉर्टिसोल के लेवल को कम कर देता है. लेकिन अगर हमारी बॉडी किसी लंबे अरसे तक स्ट्रेस में मुब्तिला रहती है उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारी ब्रेन के साथ साथ हमारे जिस्म पर भी पड़ते हैं. वो कौन कौन से इफेक्ट हैं उसको हम स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेस इंक्रीज मेंटल इलनेस. बेसिकली रिसर्चर्स के मुताबिक जब हमारी बॉडी किसी लंबे अरसे तक स्ट्रेस में मुब्तिला रहती है तो उस वक्त हमारी ब्रेन के माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं. माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स बेसिकली एक इंसुलेटिंग फैटी मटेरियल्स है. इसके इंक्रीज होने की वजह से हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल्स है उनमें गैप भरने लगता है. जब न्यूरॉन सेल्स का गैप इंक्रीज हो जाता है तो उस वजह से हमारी कम्युनिकेशन में बैलेंसिंग और टाइमिंग नहीं रहती, खत्म हो जाती है और हम ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेस किल ब्रेन सेल. बेसिकली हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रीजन हिप्पोकैम्पस जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहां मुसलसल नए ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं. लेकिन जब हमारी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन को फेस कर रही होती है तो उस वक्त कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे जो ब्रेन सेल्स है उनको किल कर देता है और इसके साथ साथ न्यू ब्रेन सेल्स बनने का जो प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन बल्कि रोक देता है. इसीलिए जो ओल्डर एज के पीपल है उनमें अल्जाइमर डिजीज देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज स्ट्रेस हर्ट यूर मेमोरी. बेसिकली हमारी ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हिप्पोकैम्पस हमारी लर्निंग और हमारी मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि हमारी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन को फेस कर रही होती है तो उस पीरियड में उस दौरान हिप्पोकैम्पस हमारा सही तरीके से फंक्शन नहीं करता. इस वजह से हमारी मेमोरी वीक हो जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो नेक्स्ट इज स्ट्रेस श्रिंक योर ब्रेन. बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन को फेस करने की वजह से हमारे जो ब्रेन है ब्रेन सेल्स हैं वो बेसिकली खत्म हो जाते हैं और उसी की वजह से जो हमारे ब्रेन का वॉल्यूम है वो कम होने लगता है. स्पेशली हमारी ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन जिसकी वजह से हमारी जजमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग हमारी कंसंट्रेशन और हमारी सोशल इंटरेक्शन
बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ये सब बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है, स्ट्रेस के साइड इफेक्ट है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, वो भी क्रॉनिक स्ट्रेस? ऑफकोर्स, बेसिकली कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट वन है उसमें मॉडरेट एक्सरसाइज। बेसिकली जब हम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं और हमें स्ट्रेस से बचाते हैं। नेक्स्ट है गैदरिंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब हम अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ बैठते हैं, उनसे गपशप करते हैं, तो उस वजह से भी हम स्ट्रेस से काफी हद तक बचे रहते हैं। सिमिलरली क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और उसे दूसरों के सहारों की जरूरत है, इसी वजह से जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे अपनी स्ट्रेस को, तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इबादत है, जो प्रेयर है, बेसिकली उस वजह से भी जब हम इबादत करते हैं तो उस वजह से भी हम स्ट्रेस से काफी हद तक बचे रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। होप यू लाइक दिस वीडियो।